हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त सौरभ जुड्डा एक नई वीडियो में लेकर आ रहा है आपको। और पीछे जो काम चल रहा है भाई, कुछ लोग समझ गए हुए और कुछ लोग नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ पीछे क्या चल रहा है भाई। ये देख लो, पूरा प्रोसेस रहता है। ये जो आप पेठा आपके घरों तक पहुँचता है, दुकानों तक, मीठा स्वीट पेठा, तो ये यहाँ पर बन रहा है भाई। और हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे पेठा बनता है। और ये सबसे पहले लेके चलते हैं जहाँ पे पेठा बनाने का शुरू से आखिरी तक का क्या क्या प्रोसेस है वो भी सब। चलो भाई, सबसे पहला प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, ये रहता है भाई कच्चा पेठा। ये देख लो भाई, कच्चा पेठा और कच्चे पेठे को छिलके कटिंग रहती है और इस टाइप का ये निकलता है। जो ख़राब है वो उधर डल जाता है और ये जो बीज का गुद्दा है वो निकाल के एक्स्ट्रा में फेंक दिया है, वेस्ट है। और ये देख लो भाई, ये छिलके पड़े हैं यहाँ पेठे के, ये सब निकले हैं। और जो पेठा कटिंग होता है साफ़ सुथरा, वो ऐसे कट के रखा जाता है। सबसे जो सेकंड प्रोसेस है ये वाला भाई, जो पेठा कट के इसके आता है, तो भाई ये जो स्लाइस है ये मशीन करती है स्पंजिंग। हाँ, तो ये देख लो भाई साहब, और ये स्पंजिंग करते हैं, पूरे छेद हो रहे हैं भाई इतने। और ये छेद होते हैं किस लिए, ये इस मशीन का काम यही है ताकि अच्छे से रस डूब जाए और जो बाकर है वो पेठे के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे लग जाता है भाई सारा। ये मशीन है और ये मशीन नुकीली कीले हैं भाई, ये देख लो। और जो पेठे की सिलाई से उसे काट के छेद कर दिए भाई, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है पूरा स्टॉक। और यहाँ पे जो अगला काम रहता है उधर, ये भाई ये कुछ किसी चीज़ में डुब्बा है या ये चुनने का पानी भाई, ये यहाँ से पीस कटने के बाद स्पंजिंग हुआ, स्पंजिंग के बाद चूने के पानी में है, और चूने के पानी के बाद वो उधर देख लो पेठे की कटिंग हो रही है भाई नेक्स्ट में, है ना। तो ये भैया यहाँ पे पेठे की कटिंग कर रही है। और तो कुछ जगह पे क्या रहता है भाई, पेठे की जो कटिंग रहती है वो बहुत ही छोटे साइज में रहती है, और ये देख लो भाई, ये एकदम बहुत ही बड़ा साइज है नॉर्मल पेठे से बिल्कुल भाई साहब। तो ये लोग लगे रहते हैं भाई, भाई साहब कितना पेठा कटिंग करते हैं डेली? 5 क्विंटल के बराबर लगभग पेठा तैयार रहता। तो पेठा भाई जितनी क्वालिटी रहती है वो अलग अलग टाइप की, या एक टाइप के बनते हैं जी, एक ही टाइप का बनना, प्लेन बनना है यहाँ पर, सादा, यहाँ पे सादा पेठा बन रहा है भाई। और दो लोग कटिंग करने के, इसमें डलता है ये पूरा भर जाता है कटिंग कर, और फिर उसके बाद चूने के पानी आएगा। अच्छा, चूने के पानी में ये कटिंग के बाद फिर कहाँ पे जाएगा? चूने के पानी में से ये डल के फिर धुलाई होगी सादे पानी में, सादे पानी के बाद फिर जाएगा ये गर्म पानी में उधर कढ़ाई के पास, कढ़ाई के पास से फिर जाएगा चीनी के पानी में, चीनी के में। ये प्रोसेस देख लो, पहले चूने के पानी में फिर साधारण पानी में, हाँ में चूने का पानी है, इसमें धुलाई होगी, धुलाई होने के बाद फिर ये सादा पानी यानी कि नॉर्मल इसमें धुलेगा, धुलने के बाद उसके बाद जाएगा उस भट्टी पे और वहाँ पे पकेगा अच्छे से। तो सबसे पहले जो पेठा कटिंग हो गया आता है वो उधर जाएगा, इधर आता है, उबाला जा रहा है, फिर उसके बाद चीनी पकाई जाती है उत्तम बजाज की, तो फिर चीनी पकाई जाती है। अच्छा, फिर उसमें पकता है, तो ये कितनी कितनी देर पकेगा? डेढ़ घंटा पकेगा भाई। डेढ़ घंटा पकने के बाद फिर अच्छा, तो उधर है भाई, देख लो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कटने के बाद यहाँ पे आएगा, गर्म पानी में उबलेगा, और ये चीनी है भाई, उसमें भी कुछ चीनी रहती है, और इसकी कुछ अशुद्धियाँ गंदगी निकालने के लिए कोई केमिकल डलता है? कुछ नहीं डाल, अच्छा दूध डालते हैं, तो भाई दूध डालते हैं। और उसमें कितनी देर तक पकता है? डेढ़ घंटा पूरा पकता है अगर आँच प्रॉपर चले। उसके बाद भाकर है, और भाकर में ये कितने टाइम हो गया पक रहा है इधर से? ये पक रहा है तो हो गया आधा पौन घंटा। कितनी देर में निकलेगा? एक घंटा और निकलेगा भाई। ये देख लो, अभी यहाँ से फिर वो जो है पेठे की सिलाई इसमें आएगा, और इसमें कुछ डूबने के बाद, और ये क्रेट है भाई, इसमें डल जाएगा। क्रेट डलने के बाद यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, और इधर आके ठंडा हो जाएगा भाई साहब। हाँ, तो खटिया पे भी बिछा देते हैं, और उसके बाद फिर पैक होके चले जाएगा। तो भी यहाँ पे कोई पेठा, तो भाई कस्टमर हैंड टू हैंड ले जाते हैं भाई साहब पेठा। तो यहाँ का पेठा कितना बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया है। तो भाई आप लोग कहाँ से कारीगर साहब? आगरा। आगरा से? तो आगरे का पेठा भी मशहूर है, वहाँ पे कितने टाइप का बनाते हैं आप पेठा? बनाते हैं, कोई बनता है कोई
35-40 का और यहाँ पे एक ही टाइप का ना, ये सादा बन रहा है, यहाँ पे सादा बन रहा है भाई साहब। 800 रुपये किलो तक का, 1000 रुपये किलो तक का भी है। तो जो आपने बताया 800 से 1200 रुपये केजी का, तो ये सादा पेठा कुछ रेट कम का होगा? ये 57 रुपये का है। 57 रुपये पर केजी। अच्छा ठीक है, यहाँ से अगर कोई दुकान से हटके यहाँ से लेने आ गया तो उन्हें 57 रुपये के रेट में मिल जाएगा एक किलो पेठा? 60 में 70 में मिल जाएगा एक किलो, है ना? आप हमारे लिए एक पेठे का पीस लेकर आए, और पेठे का जो पीस है बड़ा तगड़ा पीस है, तो भाई ये थोड़ा तोड़ ले, और मीठा बहुत कम लेते हैं हम भी। भाई शुद्ध पेठा रहता है भाई, छोटा ये देख लो भाई, मैंने एक पीस लिया है बहुत छोटा सा, ये पकड़ सचिन, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया पकड़। तो भाई ये हमने पेठा ले लिया एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म, वो पेठा एकदम रसीला है, मस्त है, जूसी है, मीठा है भाई, बढ़िया लग रहा है वो। तो सबसे शुद्ध मिठाई में माना जाता है भाई पेठा, तो ये भाई भी पेठा खा रहे हैं इधर। तो भाई लोग ये जो आपका प्लांट है इसका क्या एड्रेस रहता है इधर बताओ? ये कौन सा काम है? खेड़ा मुगल हाईवे पर। तो खेड़ा मुगल हाईवे पे है प्लांट, और जो भी अगर पेठा लेना चाहता है होलसेल में ले सकते हैं भाई से आके दुकानदार रेट पे भी, और नॉर्मल अगर कोई हमारे जैसा कस्टमर लेना चाहता है 70 रुपये के जी ले सकते हैं, और मार्केट में शायद 90 रुपये के जी पेठा है भाई लगता है ना। भाई ये भट्टी है यहाँ पे, और भट्टी का जो प्रोसेस है वो भी एकदम नेचुरल है। नेचुरल का मतलब पत्ते लकड़ियाँ झुक रही है इधर, और ये भाई भट्टी चल रही है इधर, और भट्टी के ही एग्जिट पीछे है कढ़ाएँ, और यहाँ पे पक रहा है पेठा, ये देख लो भाई, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है विदाउट केमिकल, और सबसे शुद्ध मिठाई मानी जाती है पेठा। और भाई ये देख, तो भाई ये था हमारा पेठे का ब्लॉग, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही शानदार वीडियो में।